मैं पूर्णेंद्र, क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का अंतिम वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें आप पोटास फिटकरी के गुण, इसका क्या गुण है पोटास फिटकरी का, को हम देखेंगे। पहला, सफेद क्रिस्टल एवं जल में विलेय होता है। दूसरा, यह 90 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, यानी इसका गलनांक 90 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर क्रिस्टलन जल खोकर सरंध्र फिटकरी का निर्माण होता है। यानी जब इसे 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसकी जो भी जल होता है वह बाहर निकल जाता है या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जो शेष बचता है उसको हम जली फिटकरी भी कहते हैं। और आगे देखते हैं, तीसरा है, अपघटन द्वारा आयनों में विभक्त हो जाता है, वियोजित हो जाता है। अब पोटास एलम फिटकरी के उपयोग क्या है? तो पहला, यह बहते हुए रक्त को रोकने में इसका उपयोग होता है। दूसरा होता है, कपड़ों की रंगाई छपाई में बंधक या मॉर्डेंट का काम करता है। तीसरा है, चमड़ा व कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। चौथा है, आग बुझाने में इसका उपयोग होता है। पांचवा है, जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, अगर गंदा कहीं जल है, पीने योग्य जल नहीं है, तो उसमें हम फिटकरी डाल करके उसको शुद्ध करके और हम उसको अपने उपयोग में ला सकते हैं। एक आता है लास्ट में, क्रिस्टलन जल क्या है? तो क्रिस्टलन जल क्या है कि अगर किसी लवण के साथ जितनी उसकी इकाई जल की जुड़ी होती है वही उस लवण का क्रिस्टलन जल कहलाता है। फिर से देखेंगे, किसी लवण के एक इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे K2SO4 into L2SO4 का होल थ्रस्ट into 24H2O में क्रिस्टलन जल 24 इकाई है, इसे ही हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।